एक प्रसंग महाभारत में आता है कि उतंक ऋषि को जब उनके गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण शास्त्र श्रवण कराया, संपूर्ण तप पद्धति, योग पद्धति, मंत्र पद्धति आदि की शिक्षा दी और कहा अब तुम पूर्ण हो। भाई कापी जांचने वाला ही तो नंबर रखता है। हम बहुत समझे कि मॉनिटर है हम, मॉनिटर पढ़ने में, और गुरु रख दे जीरो, आज टीचर रख दे जीरो, तो उसी को माना जाएगा। भाई गुरुदेव मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा सोहम अनुज्ञातो भवतेच्छामीष्टम गुरुवर्थमुपहर तुमिति तेनैव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोतंक उष्यतां तावदीति। आज्ञा मिले गुरुदेव, आपको मैं क्या आपकी अभीष्ट गुरुदक्षिणा भेंट करूं, आज्ञा दीजिए। उतंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले बेटा कुछ दिन आश्रम में और रह लो, बस यही दक्षिणा है और क्या है। कुछ दिन और रहे, फिर कहा भगवान अब आज्ञा दीजिए क्या गुरुदक्षिणा है, कौन सा प्रिय कार्य करें, कौन सी प्रिय वस्तु लाएं, कौन सी प्रिय आपकी आज्ञा है जिसका मैं सांगोपांग पालन करूं। उपाध्याय ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि वत्स, वैसे मेरे हृदय में तो कोई इच्छा नहीं, पर तुम बार बार ऐसा कह रहे हो तो जाओ गुरु पत्नी से पूछ लो। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्म प्राप्त करके फिर पत्नी को स्वीकार करके और सृष्टि, इसीलिए अपने लोग जब कभी उच्चारण करेंगे गोत्र बोले भरद्वाज गोत्र, सांडिल्य गोत्र, गर्ग, ये जो वंश परम आचार्य कोटि के जो महापुरुष थे वो उनसे ही संतानें उत्पन्न हुई, सब ऋषि संतान है। उन्होंने कहा हमें तो जैसा संदीपनी जी ने ठीक को ऐसे ही, हाँ हमें तो कोई आपके बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आया कि क्या, तो आप अपनी गुरु माता से पूछें कि क्या उनकी इच्छा है, जो बतावें वही गुरुदक्षिणा है। गुरुदेव के ऐसा कहने पर उतंक ने जाकर गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरु जी से गुरुदक्षिणा के विषय में पूछा तो उन्होंने आपके ऊपर कहा है। गुरु के ऋण से उऋण वही होता है जिसको गुरु उऋण कर दे, ठीक जा आप आज्ञा कीजिए। गुरुदेव ने आज्ञा करी कि आपकी जो इच्छा हो बोले और हम उसको पूर्ण करें। ऐसा कहने पर गुरु पत्नी ने कहा कि एक बहुत ही प्रतापी राजा है पौष्य, और उनकी पत्नी के कान में बड़े ही दिव्य कुंडल हैं। अब हम सोचते हैं कि वन में रहने वाली वनवासिनी की हम पत्नी, प्रतापी राजा पौष्य की पत्नी के कुंडल हमारे लिए ला दो। ये माताओं बहनों कुछ ऐसा होता है कि उनको ये श्रृंगार की प्रिय, और उनको लगा कि अब कहाँ जंगल में कंदमूल फल खाने वाले ऋषियों की हम पत्नी, कभी एक बार तो पहने प्रतापी महाराजा पौष्य की पत्नी, और वो बहुत पतिव्रता और बहुत ही तपस्विनी थी, उनके कुंडल, और कुंडल कोई साधारण नहीं थे, बड़े दिव्य कुंडल थे, वो हमें लाग करके प्रदान करो, यही गुरुदक्षिणा है। उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ, आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है, उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहन करके ही हम ब्राह्मणों को भोजन परोसेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। चौथे दिन, चार दिन के अंदर आ जाना चाहिए, मेरा मनोरथ यही है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, गुरुदक्षिणा की पूर्ति करो, उनके कुंडल लाओ। गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर उतंक ऋषि ने साष्टांग प्रणाम किया और गुरुचरणों का चिंतन किया कि
हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है कैसे लाना है, अब आप ही हमें सामर्थ्य भी देंगे। तो आगे मार्ग में जा रहे थे तो एक विशालकाय बैल मिला और उसमें बैठा हुआ एक पुरुष। उतंक ऋषि से कहा, भो उतंकै तत्पुरीशमस्य ऋषभस्य भक्षयस्वेति स एव मुक्तो नैच्छत्। सुनो, इस मार्ग से यदि निर्विघ्न जाना चाहते हो तो बैल का गोबर खाओ, तभी आप जा सकते हो। गोबर खाने की इच्छा कोई होती? उनका खाओ तभी आप जा सकते हो। जहां आप जा रहे हो बहुत दुर्लभ कुंडल है। तुमने चिंतन किया ना कि गुरु कृपा ही तुम्हें मार्ग दिखाएगी, गुरु कृपा ही तुम्हें बल देगी, तो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो निर्विघ्नता चाहिए उसके लिए तुम्हें गोबर इस बैल का खाना होगा जो पुरुष उसमें सवार था। उनका खाने की तो कोई चीज है गोबर? उतंक ऋषि ने कहा, बोले अब गुरु सेवा करनी तो खाना पड़ेगा। पुरुष बोला, उतंक खा लो विचार न करो, तुम्हारे गुरु भी इस मार्ग से जब गए थे तो पाया था गोबर, तुम्हें भी पाना होगा। जब उसने ऐसा कहा तो उतंक ने कहा बहुत अच्छा, और उस बैल के गोबर को लिया और खड़े खड़े उस गोबर को पाया। फिर ऐसे ही आचमन कर लिया, ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही मुंह में डाल चल दिया और चल पड़े। एक एक चरित्र पर ध्यान देने का विषय है। जहां वे क्षत्रिय राजा बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा पौष्य रहते थे, उतंक ने देखा वे आसन पर बैठे एक महान तेजस्वी सूर्य के समान महाराज पौष्य प्रतापी राजा। दूर से देखा, उतंक समीप गए और कहा, आशीर्वाद देते हैं राजन। अब ऐसा थोड़ी कि प्रणाम करते हैं राजन, तपस्वी को अलग अलग मुद्रा होती। जैसे ऋषि किसी राजा के यहां जाते थे पहले, अगर किसी कार्य हेतु, कोई आज्ञा देने हेतु, कोई प्रजा पालन में अगर त्रुटि हो रही तो समझाने हेतु, तो जाके हाथ थोड़ी जोड़ते थे, राजन सुखी रहो चिरंजीवी रहो, फिर वो तुरंत उतरे प्रणाम किए फिर वार्ता, ऐसे उनका नमस्कार ऐसे होता था। उतंक ने कहा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है महाराज पौष्य से, और मैं कुछ याचना करने यहां आया हूं। राजा तत्काल सिंहासन से उतरे, ब्रह्मऋषि हैं उतंक ऋषि, यद्यपि नवीन अवस्था है, प्रणाम किया और कहा, भगवन याचना की क्या बात, मैं चक्रवर्ती सम्राट पौष्य तुम्हारा सेवक हूं, दास को आज्ञा कीजिए। उतंक ने कहा, मेरी गुरु माता ने आज्ञा करी गुरुदक्षिणा के लिए तुम्हारी पत्नी के कुंडल, वो दोनों कुंडल हमें चाहिए, आप दे दें, और ये देना आपके योग्य है। योग्य मतलब मैं पात्र हूं, ऐसा नहीं कि कुपात्र को दे रहे, इसलिए कहा, प्रमाणित किया कि मैं गुरु आज्ञा से आया हूं, गुरु माता को देना है इसलिए मैं सुपात्र हूं, आप दे दें, तुम्हारे योग्य है ये बात। अरे ब्रह्मन आप कैसी बात करते हैं, ये महल आपका, ये राज्य आपका, मांगने की, आप जाइए महल में आदेश कीजिए, रानी आपको तत्काल अपने कुंडल दे देंगे, आपको आदेश करना मांगना थोड़ी है। अंतापुर में प्रवेश किया, पूरे महल में घूम आए लेकिन रानी दिखाई नहीं दी। सोचा ऐसी भी मजाक पौष्य राजा, पूरे महल में कहीं रानी नहीं नजर आई। पौष्य के पास आकर बोले कि देना नहीं था तो ये झूठी बातें क्यों की कि मैं दास हूं, पूरा महल आपका, रानी आपकी आज्ञा में है, आप जाके आज्ञा कीजिए और कुंडल ले आइए, झूठी बात क्यों की, छल क्यों किया, आप जैसे धर्मात्मा राजा को शोभा नहीं देता। महाराज हुआ क्या, बोले महल में महारानी है ही नहीं, कहीं भी नहीं, हमने देख लिया। उतंक के ऐसा कहने पर एक क्षण शांत हुए पौष्य और कहा, महाराज आप अपवित्र हैं इसलिए, हमारी रानी तपस्विनी और पतिव्रता है,
इसलिए उसको वही देख सकता है जो पवित्र है। आप कहीं ना कहीं अशुद्ध हैं, विचार कीजिए और तब आप जाइए शुद्ध होकर के। छत्राणी पवित्रता है, पातिव्रत धर्म से युक्त है और आप में अपवित्रता है, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे। विचार क्या उनका, एक ही बात हो सकती है, रास्ते में गोबर खाया था आज और ठीक से कुल्ला करके आचमन नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, चरणामृत और श्री आराध्य देव का उच्छिष्ट ये कभी झूठा नहीं होता। जैसे आप माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आपको मंदिर में सीधे प्रभु के सामने आपको प्रसाद का किनका मिलता है, आप किनका डाल लेते हैं, उसमें आचमन की जरूरत नहीं है। चरणामृत मिला उसमें आज परम पवित्र है। इसके अलावा अब आप जो भी घर में यदि भोग लगाते हैं, से पर आपको हाथ धो करके आचमन करके ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवत चरणामृत और प्रसाद का किनका, इसके अलावा कभी झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। ये जो कुछ भी खाया कुछ भी, ऐसे नहीं, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। ये जो बोतल में जल भरे रहते हैं, उनसे प्रार्थना है कि अगर आपको बार बार पीना है तो एक छोटा सा गिलास रखिए, कप रखिए और आप उसमें डाल लीजिए, ऐसे दूर से पी लीजिए, फिर वही बोतल में मुंह लगा के फिर वो सब। एक बार जिस पात्र से पानी पी लिया जाता है और कुछ क्षण उसको रखने के बाद दोबारा अगर उसी में पिया जाए तो अपवित्र होता, अंतःकरण को अपवित्र करने वाला। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत में जहाँ कहीं लोटा रखा होगा वहीं पास में गिलास भोजन के लिए, और वो थोड़ा उतना ही जल डालिए जितना आप पी सकते हैं। जिस लोटे के जल से आपने पहले पैर धोया और फिर उसको पिए, आपका अंतःकरण अपवित्र होगा। संध्या का बचा हुआ जल, पैरों में डाला हुआ जल और ये जो जूठा, जिसे ऐसे रोटी दांत से काटी और आपने रखी, फिर वो ये सब अपवित्र, हाथ से तोड़कर। ये शास्त्रीय पद्धति का सम्मान करना सीखे, उसी से अंतःकरण पवित्र होता है। पानी उतना ही गिलास में लीजिए बोतल से जितना आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोतल में गुलगुल थोड़ा पिया फिर बंद किया फिर रख दिया फिर पिया, ये संसारिक बातें नहीं चलेगी। वैष्णव हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, आप बार बार पिए लेकिन उतना ही डालिए जितना आप पीते हैं। दो बूंदे से क्या हटा दिया, पवित्र करके रख लिया। और ऐसा क्या चिड़िया की तरह बार बार चुनते रहो पानी पर, हाँ अरे एक बार टंकी है इतनी रख लिया, दो तीन घंटे के लिए आधा लीटर एक लीटर, भाई गाड़ी में बार बार डालते हो 50-50 ग्राम, ये गाड़ी ही तो है शरीर, एक दो बार भोजन का रखो और दो तीन। बाबा तो एक बार ही लेते थे 24 घंटे में जल भी, राधा बाबा बाल्टी और गिलास से आता था जल सामने और इकट्ठे रख लेते थे 20 गिलास 16 गिलास ऐसे बाबा पीते थे, डालते जाते थे जब तक तो चलो अपना उस कोट के नहीं तो थोड़ा। अब किसी किसी को देखते हैं बैग में रखते हैं गुलगुल गुल, एक कुल्ला, फिर बार बार सत्संग हो रहा है बार, पता नहीं तुम्हें जल पीने की याद कैसे आ गई तुम्हें बार बार ये सब। तो इसे आप ऐसा मान लीजिए कि यदि आप अपवित्र मुख रहेंगे तो नाम में रुचि नहीं रहेगी, देख लेना। जब एक पतिव्रता पत्नी का दर्शन नहीं हो सकता तो हमारे इष्ट का कैसे दर्शन हो सकता है। इसलिए सावधान, बड़ा शुद्ध वैष्णव जनों को देखिए ना कैसे आचरण से रहते हैं, कैसी पवित्रता रखते हैं। ये बार बार चिड़िया की तरह चुनना, हाँ कुरकुर चबाते रहते, ये चिप्स वो ये सब साधकों के लक्षण नहीं, गृहस्थी विरक्ति कोई भी हो, एक बार बैठ जाओ और खूब चिप्स विप्स जो हो श्री जी को भोग लगाओ, बैठ के पालो, बार बार क्या हो इधर चुनना उधर चुनना। आपका मुख अपवित्र था इसलिए उस पत्नी का दर्शन नहीं हुआ, पौष्य महाराज की पत्नी का दर्शन। उतंक ने स्मरण किया और कहा हा शुद्धि रह गई थी, क्योंकि ऐसे चलते हुए पानी ऐसे डाल लिया, वैसे ऐसा नहीं, कुल्ला करो पहले। अगर कोई चीज आपने पाई जिससे झूठा मुख कहा जाता है तो पहले कुल्ला किया, फिर आचमन किया जाता है। आचमन में अपने लोग नारायण केशवाय नहीं बोलते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ, अपने अपने इष्ट का नाम लेते हैं। जैसे शास्त्रीय पद्धति में ना केशवाय नमा नारायणाय नमा माधवाय नमा, तो या राधा वल्लभ श्री हरिवंश
खड़े खड़े आचमन ऐसे नहीं। पौष्य ने कहा, ब्राह्मण शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और भगवान ने गीता जी में कहा, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग कर वो सिद्धि और शांति को प्राप्त नहीं। इसीलिए तो हम लोगों की भजन में उन्नति नहीं हो रही। छोटे छोटे अपराध ऐसे जो हमारे मन को मलिन कर, अपने भगवत मार्ग के पथिक वैष्णव जन जिन्होंने दीक्षा ली, थोड़ा सा कुछ लोग इतना हट करते हैं कि आपने कहा था कि वो किशमिश भोग लगा के ले जाएंगे, प्याज लहसुन में डाल सकते हैं ना, इतना प्यारा प्याज लहसुन है प्रभु, कैसी कैसी भगवान की विचित्र लीला है, मतलब उसको हमें चाहिए। ऐसी कौन सी जहाँ छौंका जाता है वो एरिया में दुर्गंध हो जाती है, जिस घर में छौंका, पता नहीं लोग कितना प्यार करते हैं। अरे इतना प्रभु के प्रसाद से प्यार करो प्रभु, कौन सा, हमें तो इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद बनते हैं प्रभु, 56 भोग, एक से एक व्यंजन, दुर्गंधित पदार्थ, जो हमारे संतों ने मना किया तो मान जाओ नहीं खाना प्याज लहसुन क्या है। और फिर और वो उनकी चर्चा ही बड़ी निकृष्ट है, उनको क्या खाना। अरे भाई सावधान हो, कितनी सुंदर सुंदर सब्जियां हैं, हाँ कितनी सुंदर सुंदर पकवान, सुअर मुर्गा, हे भगवान, अंडा उसमें क्या भरा है, मलई मूत्र तो भरा है। बोले हम बहुत स्वादिष्ट भोजन, मलमूत्र पाने वाले स्वादिष्ट भोजन पा रहे। अरे बोले उसमें विटामिन बल है, ऐसी विटामिन बल कि पूछो मत, हर विकार तुम्हें परास्त किए, तुम बलवान हो। अरे नाम जप करो, शुद्ध गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, देखो कैसा बलवान होते हो। जिनमें बल है वो तो चीजें पाई नहीं जा रही। ब्रह्मचर्य में बल है, जितेंद्रियता में बल है, पवित्र चिंतन में बल है, भगवान नाम में बल है, पवित्र आचरण में बल है, इनमें बल है। ये बल समझते हैं, इधर उधर जीवों की हत्या करके जीवों के सब निकृष्ट, और सोचते हैं कि हम दान पुण्य कर के पवित्र हो जाएंगे। जो विधि का उल्लंघन करता है, आप ध्यान दीजिए, बहुत ये काम की बात है, बहुत सावधान रहिए। ओ खड़े खड़े लघु शंका किए, कपड़े लत्तों में गिरे रहे, और फिर तो मतलब थोड़ा सावधानी से पवित्रता का पशुता नहीं होनी चाहिए। मान लो गांठ में दर्द है, थोड़ा पवित्रता से जहाँ तक हो सके, ऐसा कि अब खड़े खड़े ऐसे बाहर करोगे तो पैरों में सब पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब कितने ऐसे महापुरुषों को देखा है कि लघु शंका की उसी हाथ से ऐसे हाँ देखा है भाई, सावधान, थोड़ा सा तो हाथ वाथ धो लो, आचमन ठीक से कर लो, लघु शंका चैल से तो हो जाओ, चैल से थोड़ी पवित्रता का निर्वाह अत्यंत आवश्यक है। कम से कम और नहीं तो भगवत मार्ग के पथिक तो सावधान रहे ही। गांव में एक लोटा ले लिए और तीन चार साथ में, और बात अब एक लोटा में जैसे कोई अर्घ देला हो, अब है उसे मंडलाकार बैठ गए बीच में लोटा, जैसे अनुष्ठान कोई हो रहा हो, अब बताओ क्या उसमें। तो यही है, इसलिए सावधानी से पवित्रता का निर्वाह तो करो ही सावधानी से। जो विधि का, शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, मुक्त जूठा रहना ही नहीं चाहिए। और ये पान मसाला, तमाकू, इस तरह के व्यसन नहीं होने चाहिए। जिस मुख में नाम जप कर रहे हो, बार बार अशुचि अशुद्ध चीजें खाओ और सोचो नाम जप चले, असंभव है। भोजन पवित्र जहाँ तक हो सके, अपनी चेष्टा रखो, आपकी जो गुरुजनों ने नियमावली दी उसके अनुसार चलो, पवित्र आचरण को, भजन तो स्वाभाविक होने लगता है। फिर उतंक से उन्होंने कहा कि आपसे कोई गलती हुई, अशुद्ध है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने खड़े खड़े ऐसे ही कर लिया, आचमन नहीं किया। अब वो हाथ पैर धोए, मुंह धोए। अच्छा भोजन के समय बड़ी पवित्र शैली होनी, आजकल तो बहुत और उत्तम शैली, जूता भी नहीं उतारते, उतारते ही नहीं, मतलब भोजन को कैसे, तभी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारे यहाँ कैसी पद्धति है, बढ़िया लिपे पोते आसन पर फिर बैठे, जैसे गाय के गोबर से लिपा हुआ है, संतों को पहले बुलाया जाता था और सुंदर आसन डाल दिया,
हाथ पैर धोकर के पवित्र होकर भगवान नाम उच्चारण करते हुए समर्पित भगवत समर्पित प्रसाद फिर उसे मौन होकर पाओ। ऐसा अब यहाँ मान लो टीवी आदि चल रही है, चिंतन प्रपंच का हो रहा है, न हाथ धोए हैं, न पैर धोए हैं, न भगवत अर्पित है, न भगवत चिंतन, वही पशुता सवार हुई। जो हमारे अंदर दिव्यता आनी चाहिए वो इसीलिए नहीं आ रही। हम थोड़ा पद्धति से चले। प्रसाद पाने के पहले सबको चाहिए कि एक बार हाथ पैर धो लेना चाहिए। जरूरी नहीं बोले सर्दी है तो अब सर्दी गर्मी तो बनी ही रहती है, और शांति से भगवत नाम स्मरण करते हुए भगवत अर्पित करके जय हो अपने गुरुजनों का जय जयकार, राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, संत भगवान की सबकी जय बोलो। 10-5 जय तो अब सामने आ गया कोई उठा के तो ले ले जाएगा। हाँ थोड़ा चैन से, हाँ नाम कीर्तन, तो उससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि रोज का रोज भागवतिक होती चली जाएगी। इसका रहस्य है। देखो संतजन इसीलिए इतने जयकारा लगवाते भंडारे में, हाँ कि आपकी बुद्धि जो है पवित्र हो, इंतजार करते करते भूख मिट जाए, इतने जयकारा। हाँ आधा घंटा तो कम से कम, कभी किसी किसी में तो जयकारा वो गरम हलवा का पूरा धुआं निकल जाए जो उसे देख के, वो सोच रहा है अब जय होगा, अब पूरा होगा। बार बार ऐसे बार बोली लियो जितना बोलना है, मथुरा वृंदावन की जय, राम कृष्ण की जय, पूरे जितने अपने भारत के है ना सब भगवत अवतार भगवत रूप सब जय जय जय, फिर प्रसाद। तो उससे क्या महामंगल। हाँ कोई भी प्रसाद का विकार उसकी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकता। उतंक राजा से ठीक है ऐसा कह करके हाथ पैर धोए, भली भांति मुख कुल्ला किया। कुल्ला करना तभी कि जो आपने प्रश्न पाया है उसका प्रभाव नहीं रह जाना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करके। और फिर आचमन, आचमन जो किया जाए वो हृदय तक कम से कम पहुंचे, ऐसा 3 बार आचमन किया शुद्ध जल से। और आचमन के बाद फिर ऐसे अंगूठे के मूल से, शास्त्रीय सिद्धांत है, ऐसे 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 मुख पोछा जाता है। फिर महल में गए, जे भी गए तो महारानी ने कहा ये स्वागत है आपका, और सीधे दर्शन। अब आप सोचो राजा पोष्य की रानी के दर्शन किए चाहिए तो हमारी महारानी के दर्शन के लिए अपने को बड़ी सुविधा है। रज रानी है, कुछ सना हो तो ऐसा अंगूठा उठा करने की जरूरत नहीं, ऐसे रज लियो जय राधा वल्लभ, ये कर्ण लो जय राधा वल्लभ हो गया, इससे बड़ा कुछ नहीं। अपने तो झोला में रज रखते थे इतनी बड़ी, आज भी जगह जगह हम जहाँ बैठेंगे जहाँ लेटेंगे वहाँ हमारे सिराने इतनी रज रखी होगी। ऐसे रज स्पर्श करो एक कण डालो हो गया, सुमिरन में बैठ जाओ। अगर हम पास चल रहे तो हमारे पास रज है बटिया है, हाँ वो रज तत्काल, अपने को तो बहुत सुविधा है। रज रज रानी से बढ़कर क्या है, बस ऐसे करो ऐसे रज डालो ऐसे वो परम पवित्र परम पवित्र एक कण रज जितनी पवित्रता प्रदान करेगी उतनी कोई तीर्थ नहीं प्रदान। ये वृंदावन की रज है, ब्रज रज है, महामहिमा युक्त है। जीत गए, जीत गए कितना, अरे शास्त्रीय सिद्धांत कितना सिद्धांत, अपने सब सिद्धांत, ऐसे एक कण रज डाला ऐसे किया परम पवित्र हो गए। श्री जी के दर्शन होंगे, राजा पौष्य की पत्नी के नहीं सीधे श्री जी के, ये रज रानी श्री राधा रानी के दर्शन कराती, बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली। प्रणाम किया रानी ने, भगवान स्वागत है, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उतंक ने महारानी से कहा देवी मैंने गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की तो गुरु माता ने आदेश किया आपके दोनों कुंडल वो मुझे दे दो। महारानी उतंक के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई, बार बार दर्शन कर रही है। ऐसा गुरु भक्त जो गुरु आज्ञा के लिए इतनी यात्रा करके आया है, नहीं अब कि भाई कुंडले चाहिए तो कहाँ से कुंडल आपके लावे भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ बताओ 2-4 दिन और सोनी लगा देंगे आश्रम में, अब तो कहाँ से कुंडल लाएं, ऐसा हो जाए वो चल पड़े नहीं। दर्शन कर रहे हैं रानी गुरु भक्त के, और कहा तुम्हारे जैसा सुपात्र कौन हो सकता है। अपने दोनों कुंडल उतारे और दिया और कहा ब्रह्मन ये इतने महिमामय कुंडल हैं कि नागराज तक्षक नजर लगाए हुए, आप लेके निकलोगे तो सावधान रहना,
इस कुंडलों का अपहरण, क्योंकि दिव्य कुंडल साधारण कुंडल नहीं है, वो प्रयत्नशील होगा आपसे कुंडल हटाने के लिए, ले जाने के लिए, इसलिए आप सावधान रहना, आपको बता दिया। रानी के ऐसा कहने पर उतंक ने कहा, देवी तुम निश्चिंत रहो, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। ऐसा कह करके कुंडल लिए और रानी के पास से आकर राजा पौष्य के निकट आए। बोले, महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बस आप आज्ञा कीजिए, मैं अपने गुरु सेवा में उपस्थित हूं जा करके। पौष्य ने कहा, बहुत दिनों के बाद ऐसा तपस्वी वनवासी ऋषि हमारे यहां पधारा है, इसलिए ऐसे संपूर्ण भागवती गुणों से युक्त अतिथि का स्वागत करने से बहुत दिव्य प्रसन्नता होती है, वो मुझे हो रही है, वो आप थोड़ा समय दीजिए और प्रसाद पाके जाइए, ऐसा कहा। उतंक ने कहा, मेरा समय तो दिया हुआ ही है, मैं तो आया ही हूं आपके यहां, पर शीघ्रता कीजिए क्योंकि मुझे 4 दिन का समय मिला है, ये कुंडल पहुंचाने हैं, गुरु माता को देने हैं। और उन्होंने भोजन तैयार करवाया, सुंदर सुंदर सामग्री, और जो ही भोजन सामने आया उनको आभास हुआ कि भोजन अपवित्र है। ध्यान से जांचा तो देखा एक छोटा सा बाल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। देखो समझिए, वो आचमन सही से नहीं किए थे तो महारानी के दर्शन नहीं हुए, अब ये इतने पवित्र हैं कि भोजन सामने आया तो आभास होने लगा। सच्ची मानना, यदि आप सही शास्त्रीय पद्धति से चल रहे हैं तो आपका अंतःकरण इतनी सामर्थ्य से युक्त होगा कि आसपास का वातावरण तत्काल आपके हृदय में अंकित हो जाएगा, ये हो रहा है ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, मतलब पूरा वहां बताना नहीं पड़ता ऐसे सब, क्योंकि जब सच्चिदानंद प्रभु ही तप हैं, वही मंत्र हैं, वही शास्त्र हैं, जो उनके अनुसार चल रहा है, तो उनको आभास हुआ कि भोजन अपवित्र है। क्या उसमें देखा, बाल का टुकड़ा है। ये सावधानियां रखनी चाहिए, भोजन में बाल पड़ना अभक्ष हो जाता है, उसे नहीं पाना चाहिए जिसमें ये बाल पड़ जाए ऐसे। इसीलिए भोजन बनाने वाली माताओं बहनों को चाहिए कि कोई वस्त्र बालों में लपेट कर बांध करके ही रसोई सेवा करें। ठाकुर सेवा में जो रसोई सेवा करनी है तो जो गृहस्थ माई जन है उनको वो ऐसे कुछ टोपी या कुछ ऐसे कपड़े से बांध लेने चाहिए जिससे बाल भोजन में ना गिरे। अगर बाल गिर जाता है तो ना प्रभु को भोग लगाने योग्य होता है और ना किसी वैष्णव संत जनों की सेवा में देने योग्य, अपराध लगता है। मान लो वो तो इतने प्रभावशाली हैं कि समझ गए, अगर आपका कोई ऐसा प्रसाद जिसमें बाल है और संत जन पाए और बाल निकला ऐसे, मान लो कुछ वैष्णवता के कारण ना बोले तो भी आपके द्वारा दिया हुआ अभक्ष, इसलिए आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहे। अब उतंक ने देखा कि उसमें बाल पड़ा हुआ है, ये तो अपवित्र भोजन है। राजा से कहा कि आपने मुझे अपवित्र भोजन का निमंत्रण क्यों दिया, यदि निमंत्रण दिया तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, आप रसोईया के पास जाकर उसे शासन के द्वारा समझाते कि ऋषि का भोजन है, आप स्वयं निरीक्षण परीक्षण करते, ऐसे ही भेज दिया। पौष्य मुझे तुम अपवित्र अन्न दे रहे हो, पहले क्या था कि ये जो ऋषि महात्मा जो इनके नाक में गुस्सा होता था, यहां जरा में बस, तुम आंखों से अंधे हो, बिना देखे हुए हम अगर हम पा लेते तो हमारा सारा तप नष्ट हो जाता, इसीलिए तुमने निमंत्रण दिया, जाओ आंखों की ज्योति तुम्हारी नष्ट हो जाए, साफ दे दिया। महाराज उतंक ने, राजा घबरा गए, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज हम कोई रसोईया थोड़ी कि हमसे अपराध बन गया, भाई राजा है, राजा हो तो निमंत्रण आपने दिया है, आपको देखना है, अपराध आपका माना जाएगा, आपने अपराध किया, फिर भी आप दोषी तन हुआ तो उसको अपराध में इतना बड़ा हमें दंड दे दिया।
आपको ज्ञान नहीं आपने क्या हमें दंड दिया, जीवित हमारी आंखें ही पूरे जीवन अंधे रहेंगे। तो जाओ, हम भी महाराज कहते हैं कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, क्या जानो तुम जंगली बाबा जी, जाओ तुम्हें संतान हीन होने का हम साप देते, क्योंकि वो भी ये हुआ करता तो पहले सापा सापी। तब उतंक ने कहा फिर अपराध कर रहे हो भाई, एक तो भोजन गलत दिया और ऊपर से तुम हमको संतानहीन होने का साप दे दिया, ये उचित नहीं था। आप अन्न को देखते दोषयुक्त अन्न था, हमारे को मत देते, आपने ऐसा कैसे साप दे दिया कि संतानहीन हो जाओ। दोनों आपस में एक दूसरे से फिर सुलह हुए। राजा ने कहा किसी खुले केस वाली स्त्री ने रसोई सेवा में सहयोग किया और उसका बाल उसमें आ पड़ा, इसलिए क्षमा कीजिए, ये अपवित्र इसीलिए हो गया। तो ये सावधानी रखनी चाहिए वैसे प्रत्येक माता बहन को रसोई बनाते समय कि अपने बालों को सुव्यवस्थित कर ले। आप कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूं, पूरे जीवन भर अंधा रहने पड़े। राजन, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, पर यह जरूर है कि आपको दुख हुआ कि अपवित्र भोजन है, आपने माना, गलती हुई। थोड़े दिन बाद फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी, थोड़े दिन तो रहोगे फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। तो देखो तुम भी ऐसा कहो कि तुम्हारा भी श्राप पूरा लागू ना हो। हाँ, पौष्य ने उतंक से कहा कि मैं सांप को लौटाने में असमर्थ हूं, आपका हृदय तो ब्रह्म ऋषि हो मुलायम है इसीलिए आपने कह दिया, लेकिन मेरा हृदय क्षत्रिय हृदय है, इसमें इतनी जल्दी द्रवण क्रिया नहीं होती कि हम कह दें हमारा सांप कम दिनों में हो जाए, ऐसा कुछ। तुम्हारी वाणी तीखी होती तो हमारा हृदय तीखा होता है, छत्री स्वभाव के हैं, वाणी नवनीत कोमल के समान और हृदय भी कोमल, और हमारा तो हो सकता है वाणी भी कठोर हो हृदय भी कठोर हो। ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं सांप को बदल दूं, ऐसी मेरे में ना इच्छा है ना सामर्थ्य है, इच्छा भी नहीं। तुम एक ऋषि होते हो सीधे सांप दे दिए, तुम्हारा तो हृदय अत्यंत कोमल होता है, हम तो कठोर हृदय वाले रजोगुणी युक्त राजा है, इसलिए हमारा साप तो लागू रहेगा आपके ऊपर। बड़ा जोर का होता था भाई, गृहस्थ विरक्त भी, वो उनको तो वो उनको। उतंक बोले राजन, आपने अन्न की पवित्रता देखी, मुझसे क्षमा मांगा, उन्होंने विनय की, तो आपको हमने फिर क्षमा भी तो कर दिया कि आपके नेत्र आ जाएंगे, तो आपने मुझे संतानहीन होने का साप दिया, ये ठीक है नहीं, कसक रहा है। हमारे भी वंश में तो तेजस्वी कोई महात्मा होते, आपका साप मैं अपने तपोबल से नष्ट करता हूं, लागू ही नहीं होगा, जा सिद्धांत है, आपने मुझे अतिथि रूप से निमंत्रित किया, अपवित्र अन्न दिया इसलिए हमने साप दिया, आपने स्वीकार किया इसलिए साप को हमने कम कर दिया, कुछ ही दिनों में आंखों में तेज आ जाएगा। आपसे हम फिर कह रहे हैं कि बिना अपराध के आपने ऐसा हमारे लिए साप दिया, तो आपने कहा हमारा हृदय कठोर है, हम कम नहीं कर सकते, तो हम अपने तपोबल से आपके साप को नष्ट करते, लागू ही नहीं होगा हमारे ऊपर। अब इतना सामर्थ्यशाली महात्मा, जाओ तुम्हारा मंगल हो राजन, ऐसा भी कहा, ऋषियों की महिमा, तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि कुंडल गुरुदक्षिणा दी है इसलिए तुम्हारा मंगल हो, कुछ दिनों में ज्योति आ जाएगी, अच्छा रहेगा। अब वो चले तो मार्ग में एक नग्न व्यक्ति को दिखाई दिया, जो बार बार दिखाई देता छिप जाता, उनको याद आया कि महारानी ने कहा था कि वो तक्षक नाग एक कुंडल लेने की चेष्टा करेगा, ध्यान देते जाना, किसी भी आज्ञा की पूर्ति में कितने विघ्न आते हैं, कोई साधारण नहीं होता भगवत मार्ग, कितने आपके में विघ्न आते देखो ना, पग पग पर ऊपर सामर्थ्य भी प्रभु ही देते हैं। कुछ दूर जाने पर उतंक ने उन
कुंडलों को जलाशय के किनारे रखा और स्वयं लघुशंका लगी थी, क्योंकि ऐसे पवित्र कुंडल लेके लघुशंका नहीं कर सकते थे। तो अब हमने तो देखा कि माला भी चल रही, लघुशंका भी हो रही है, ऐसे वो खड़े खड़े वैष्णव थे, तो देखा पता नहीं किस भाव दशा में थे, ऐसे माला भी ऐसी थी। गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी को लिए ऐसे खड़े, तो हो सकता है ऐसी किसी भाव दशा में हो, मंत्रावेश हो ऐसा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, कोई साथी हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी माला को गले में करके ऐसे हृदय में कर लो, ऐसे हृदय में। वैसे संत जन झोली रखते हैं अपनी झोली में, साधक को एक झोली तो रखना ही चाहिए जिसमें माला है और वाणी जी है, ये कुछ ऐसे रज है, चरणामृत है, ये तो झोली में होना चाहिए। और अब झोली नहीं है, माला आदि लिए हुए तो फिर उसको ऐसे वस्त्र पहने हो तो ऐसे छाती में रख ले, नहीं तो ऐसे वो उसमें डोरी होती है ऐसे करके, फिर कुछ ना कुछ तो छोटा करके ऐसे जिससे यहीं हृदय में रहे, फिर लघु शंका आदि करके पवित्र होके फिर। अब वो दूसरा तो कोई था नहीं, और मृग चर्म पहनने वाले, वलकल की लंगूटी लगाने वाले महात्मा, तो कुंडल गले में कोई पहन नहीं सकते, तो कुंडल जलाशय के किनारे रखा और लघुशंका करने गए, तो तक्षक नजर किए हुए था, उसने तुरंत कुंडल उठाया, अंतर ध्यान हो गया। उतंक ऋषि पवित्र होकर आचमन आदि करके गुरु जी का चिंतन करते हुए, अरे वो तो निकल गया कुंडल लेके, नागराज तक्षक का पीछा किया, उसे पकड़ भी लिया, पकड़ में आते ही आते वो अंतर ध्यान, वो कभी प्रकट होता कभी छुप जाता, और एक बहुत बड़े बिल में घुस गया तक्षक साहब। अब तो उदास हो गए, चार दिन का समय दिया गया था गुरु माता को कुंडल देना था, अब वो बिल में प्रवेश करके अपने नागलोक को चला गया तक्षक सर्प। उतंक ने अपने तपोबल से नागलोक में प्रवेश किया। अब अपने लोग होते तो बिल के पास बैठे रोते रहते और क्या करते, वो तो तप से संपन्न थे। एक डंडा लिया और उन्होंने खोदना शुरू किया उस बिल को नागलोक में प्रवेश करने के लिए। जो गुरु सेवा में तत्पर होता है, भागवतिक शक्तियां उसका निरीक्षण करती रहती, देखती रहती। तो तत्काल जो महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित वज्र है, वज्र ने देखा एक साधारण डंडे से छेद कर रहे हैं, कैसे वज्र प्रवेश कर गया डंडे पे, उनको पता नहीं चला। अब उसमें खोदना नहीं पड़ा, सीधे नागलोक पहुंचा दिया, सीधे नागलोक। उतंक उस मार्ग से जब वहां प्रवेश किए तो नागलोक असीम सीमा ही नहीं नजर आ रही थी, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े। अब आप क्या समझते हो, यही केवल भारत ही देश है, केवल यही दो चार देशों का ज्ञान, कितने लोक लोक, अनंत ब्रह्मांड। अब नागलोक है नीचे, वहां भी महल बने हुए हैं बड़े बड़े, सब मणियों से सुसज्जित, बड़े बड़े वायु से प्रेरित, जल से प्रेरित, ऐसे कहीं वर्षा हो रही, कहीं बिजली चमक रही, कहीं बाणों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े आश्चर्यजनक ऐसे ऐसे नाग, कोई 100 फण वाला, कोई 500 फण वाला, खेल रहे हैं नाग, खेल रहे हैं। अब नाग लोक है तो नाग ही खेलेंगे। हाँ, और सूर्य देव की भांति चमक रहा है नाग लोक, क्योंकि मणियां, बड़े बड़े मणिधर सर्प, बड़े बड़े सर्पों को देखा, उन्होंने स्तुति प्रारंभ की कि इन सर्पों में, हम सब सर्पों को प्रणाम कर कहते हैं, गुरु सेवा के लिए हम कुंडल ले जा रहे थे, तक्षक सर्प ने अपहरण कर लिया, तो मुझे वो कुंडल वापस दिला दीजिए। कोई इस बात को सुन ही नहीं रहा था, वहां खूब उतंक ऋषि प्रार्थना कर रहे थे, उनको दोनों कुंडल प्राप्त ना हो सके। तब वहां उन्होंने देखा दो स्त्रियां जो सुंदर करघे पर सूत के ताने बाने बुन रही थी। उतंक मुनि ने देखा एक काले एक सफेद, दो प्रकार के सूत्र हैं, 12 अरों का एक चक्र है, 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे हैं,
एक श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है जो बड़ा दर्शनी एक अश्व भी वहां है। उतंक ने कहा ये कौन सी लीला यहां हो रही। अविनाशी कालचक्र निरंतर चल रहा है 360 अरे 24 पर्व और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे। उतंक ने स्तवन किया तो वहां जो पुरुष खड़ा देख रहा था उसने कहा मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा क्या कार्य करूं। उन्होंने कहा कि नाग हमारा गुरुदक्षिणा के लिए लाया हुआ जो कुंडल है वो चुरा के ले गए, कुछ ऐसा कर दो कि सारे नाग हमारे अधीन हो जाए। उतंक ऋषि ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। वहीं एक घोड़ा था, कहा घोड़े की गुदा में फूंको। जे ही फूंक मारी तो उससे ऐसे धुएं की लपटे हुई, आग की लपटे हुई, सारा नाग लोक उस धुएं से भर गया। घबराकर सारे नाग सामने उपस्थित हो गए। तब जो बड़े बड़े नाग थे उन्होंने ये जाना कि ये प्रयोग इसलिए हुआ है कि तक्षक कुंडल छीन करके उससे कुंडल लाए और कहा आप लो ये धुआं बंद करो अब नहीं तो सब नाग मर जाएंगे। बड़ी विचित्र लीला। अब वो कुंडल लेकर सोचने लगे कि 3 दिन तो इसी में व्यतीत हो गया, चौथा दिन है और चौथे दिन में गुरु पत्नी के पास आज्ञा अक्षरशा पालन पुण्य व्रत मैं आ नागलोक में हूं, ऐसी दशा में मैं इन कुंडलों को कैसे पहुंचा पाऊंगा। बड़े चिंता में पड़े और गुरु का स्मरण किया कि आप ही मुझे सामर्थ्य प्रदान कर सकते हो। तो उस पुरुष ने जिसने कहा था इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो उनका इस घोड़े में बैठ जाओ तुम। जे ही बैठे बैठते ही गुरु दरवाजे में पहुंच गए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व, देखो इसमें गुरु महिमा दिखाई दे रही। बड़े से बड़े विघ्न, बड़ी से बड़ी दूरी, एक क्षण घोड़े में बैठे हो गुरु के दरवाजे में। यात्रा करते तो नागलोक से मृत्यु लोक की यात्रा कितनी, और गुरु का चिंतन किया तो कह ऐसे ही भगवत प्राप्ति होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाक खुली तो निकुंज के दरवाजे पे खड़े हैं, चलते तो कभी नहीं आ पाते, आ गए दरवाजे में। अब तो बस लाडली जो रजिस्टर देखती जा रही और वो अभी बुलाएंगी प्रेमानंद जी आओ अंदर। हाँ श्री हरिवंश शरण जी आए, नंद नंदन वृषभान नंदिनी निज कर अपनी चिट्ठी च, श्री वृषभान कुंवरि नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, दियो मुखराए कछु नहीं गोयो। लाडली लाल ने चिट्ठी में चढ़ा लिया, वो नंबर आ रहा है धीरे से, दरवाजे पे हैं, बस इधर उधर मत भागना, सब दरवाजे पे आ गए। बहुत लंबी यात्रा होती है, यहाँ प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम ध्यान गम, बस हरिवंश कृपा गुरु कृपा ने पहुंचा दिया। जैसे उतंक ऋषि को बैठते ही घोड़े में गुरु दरवाजे में पहुंच गए। गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई थी इंतजार में कि हमारा व्रत संपन्न होने वाला है और अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ा गुस्सा भी आ रही थी कि हमने तो पूछा नहीं था, वही पूछ रहा था कि गुरु दक्षिणा बताओ, अब बता दिया, उसको समय भी दिया 4 दिन का, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। वो इतना सोच के अंदर थोड़ा सा ताप पैदा कर ही रही थी कि ये सामने गए, साष्टांग प्रणाम कहा और कहा ये कुंडल। तो उनका उतंक तो ठीक समय पे आ गया, तेरा स्वागत है, अच्छा हुआ। हो सकता था मैं तापित होते होते कोई साप न दे देती, पहले ऐसा भी था, हमारे गुस्सा आ रही आपको, अभी नहीं आया तो कुछ कह, अच्छा यहाँ कुछ भी बोला वही होगा क्योंकि असत्य बोलना नहीं। अब अपने लोग दिल में अगर ऐसा होला तो पूरे भारत को भस्म कर दे। और इसीलिए ठाकुर जी ने कोई सामर्थ्य नहीं थी, बोले जा मर जा, मच्छर भी नहीं मरेगा, कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा हो अरे पूछो तो बात। हाँ रजिस्टर भर जाए, इतने साफ हो जाए, वो तो कुछ लागू नहीं होता क्योंकि है ही नहीं कुछ, जा मर जाएगी कुछ नहीं, उसको जुकाम भी नहीं होगा, कितने इतने साफ निकलते रहते हैं, देखो ना हृदय से देखो,
जरा सा प्रतिकूल हुआ तो बस श्राप निकलना, सो क्षमा नहीं श्राप शुरू हो गए। तो भगवान ने सामर्थ्य नहीं दी, नहीं तो कलयुग के प्राणियों को सामर्थ्य दी होती तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने सांपों की तो हमने रचना ही नहीं की जितने सांप ये बोल रहा है। हाँ, बोले हमारे हृदय में ताप ही प्रकट हो रहा था, तुम ठीक समय पे आ गए, नहीं तो हो सकता कि हमारे अंदर सांप देने की भावना आ जाती। तुम ठीक समय पे आए, पुनः प्रणाम की, आपकी कृपा से ही आप तक पहुंच पाया, तो उनका जाओ संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वरण करेंगे। ये गुरु कृपा, गुरु माता ने क्या कहा, संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वरण करें, जाओ सिद्ध हो गए आपसे, किसी अलग अलग सिद्धि को नहीं सिद्ध, संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वरण कर। गुरु कृपा बहुत बड़ा बल होती है। ओ उपमन्य जी के विषय में आता है, जब गुरु आज्ञा में पास हो गए तो उनका जाओ तुम्हारे हृदय में चारों वेद स्फुरित हो, स्फुरित हो, कभी पढ़ाया नहीं, व्याकरण नहीं पढ़ा, चारों वेद स्फुरित हो। गुरु कृपा बहुत महिमा, बहुत बड़ी महिमा है। गुरुदेव ने जब देखा कि गुरुदक्षिणा पूर्ण किए तो कहा तुम्हें लौटने में विलंब कैसे हो गया वत्स। तो उनका भगवान नागराज तक्षक ने इस मंगल कार्य में विघ्न डाल दिया और कुंडल लेकर वो नागलोक चला गया था। प्रभु मैंने वहां दो स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी, उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत थे, वो सब क्या था प्रभु। एक चक्र देखा बारह आरे का जिसे छह कुमार घुमा रहे थे, वो क्या था। एक पुरुष देखा, वो कौन था। एक बहुत बड़ा घोड़ा देखा, वो कौन था। इधर से जाते समय मार्ग में एक बैल देखा जो उस पर पुरुष सवार था, उसने कहा गोबर खा लो, तुम्हारे गुरु ने भी खाया था, ये सब क्या था गुरुदेव। मैं आपके श्रीमुख से ये रहस्य जानना चाहता हूं, आपकी आज्ञा पूर्ण करने में ये जो मिल, ये कौन था। तब उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि जो दो स्त्रियां तुम्हें दिखाई दे रही थी वो धाता और विधाता नाम की स्त्रियां थी, काले और सफेद तंतु दिन और रात थे, बारह आरों से युक्त जो चक्र तुमने देखा छह कुमार घुमा रहे थे वो छह ऋतुएं थी, बारह महीने थे, और जो चक्र था वो संवत्सर था, जो पुरुष था वो त्रिभुवनपति पर्जन्य, और जो घोड़ा था वो साक्षात अग्नि, और इधर से जाते समय जो तुम्हें बैल दिखाई दिया वो बैल साक्षात धर्म स्वरूप नागराज एरावत, और उसका जो गोबर वो अमृत। इसीलिए नागलोक में जाने पर भी वहां किसी भी विषधारी का विष प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ा, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमृत मिल गया, समझ रहे हो। गुरु आज्ञा में पालन करने पर सबसे पहले अमृत दिया जाता है, कोई इसे परास्त नहीं कर सकता, नामामृत। वहां तो वैदिक मंत्र है, यहां नामामृत, भगवान नामामृत कौन परास्त कर सकता है। श्री प्रहलाद जी अपने मित्रों से यही कहते हैं, हमारे पास जो सुरक्षा कवच है वो नाम है, नाम। त्रिभुवनपति तुम पर कृपा करने के लिए ही आज्ञा की थी कि गोबर खालो अर्थात अमृत, वो अमृत था। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है सारे दैवी शक्तियां उसका सहयोग करती हैं। यही कारण है कि तुम ऐसे दिव्य कुंडल लेकर यहां तक आने में समर्थ हुए। सौम में जाओ, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि समस्त कल्याण भाजन बनो, तुम्हारा सदैव मंगल हो। बस यही पद्धति आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से चली आ रही है, जिसका निर्वाह प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने गुरुदेव से जब गुरुदक्षिणा के लिए कहा तो उनका गुरु माता से आज्ञा लो, गुरु माता ने कहा हमें मरा हुआ पुत्र वापस ले आओ। यह ऐसा मत समझिए कि आप गुरु मंत्र ले लियो, मनमानी आचरण करके आप घूमे जैसे भी परिस्थितियों, अरे भाई मंत्र तो मिल, कुछ नहीं होने वाला। मंत्र जपने पर भी विपरीत दिशा, विपरीत दशा, विपरीत भाव आपको घेर लेंगे, क्योंकि मर्यादा है। ऐसा हो तो किया तो कपट करके सारी विद्याएं अस्त्र की ज्ञान कर ली भगवान परशुराम से कर्ण ने,
परिणाम क्या हुआ? कोई भी विद्या काम आई क्या? गुरु से कपट क्या होने वाला? इसलिए अधीन रहे, अधीनता उनकी आज्ञा की। आज्ञा भगवत प्राप्ति करो, भजन करो, जो सतमार्ग है उसका अनुसरण करो, उनके अधीन रहो। मन वचन कर्म से गुरु आज्ञा का पालन करना ही अधीनता होती है। अब जो ही कहें करें हम सोई ऐसले, और गुरुदेव की आज्ञा है सब सोहित निष्काम मति। श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। राधा 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 चंद्र जू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।